गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद आज ये मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि एक्चुअली में हम लोग इंग्लिश DSSSB के लिए कहाँ से करें, क्या कौन सी बुक से करें, कौन से यूट्यूब चैनल जो हैं बेस्ट हैं, मैंने कहाँ से करी थी। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ। DSSSB के लिए आप कहाँ से इंग्लिश बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं DSSSB के अंदर, किस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बोलते हैं ना, हमारी कई बार आप लोग बोलते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं इंग्लिश के ऊपर, हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। और आपको पता है DSSSB के अंदर 3 ऐसे सेक्शंस हैं, आपको पता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आपका 100 मार्क्स का आता है एंड पार्ट 2 आप लोगों का 100 मार्क्स का आता है। और इन 100 मार्क्स में से जो 60 मार्क्स होते हैं आपके रीजनिंग के, हिंदी और इंग्लिश के, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं विद गुड प्रिपरेशन, अगर आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसमें आप बहुत कमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में आप लोग कैसे अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ताकि आप लोग एटलीस्ट 20 में से 16, 17, 18 नंबर तक स्कोर कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि हमारी 20 मार्क्स की इसमें हमारी इंग्लिश आती है DSSSB के एग्जाम में, चाहे हम PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे TGT के लिए, या हम PGT के लिए कर रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो आपकी ग्रामर पोर्शन होता है वो 8 नंबर का आता ही आता है, 8 से लेकर 9 मार्क्स का जो आपका जनरल ग्रामर पोर्शन है वो आता है। एंड देन 6 to 7 मार्क्स की आप लोगों की वोकैबलरी आती है, वोकैबलरी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी वोकैबलरी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आते हैं। एंड देन आप लोगों का 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। ये डिवीजन जनरली DSSSB का होता है, ऑल दो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि एज इट इज़ एक दो नंबर ऊपर नीचे, बट यस ये आप लोगों की इंग्लिश जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, आप लोग ग्रामर हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? सो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोग में से सारे के सारे जो हैं एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इतना कोई भी पुअर नहीं होगा इंग्लिश में, और अगर पुअर है भी तो कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो हम जो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं उन लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता, बट आप लोगों को मैं ये बता दूँ, अगर आप लोगों की हिंदी की ग्रामर अच्छी है, तो अगर आप लोगों की भी इंग्लिश बहुत वीक है, आप लोगों की कमांड जो है इंग्लिश में बहुत वीक है, तो सबसे पहले अपना ये पता है कि हमारी इंग्लिश की शुरुआती हमारे अल्फ़ाबेट से होती है, एंड वी नो दैट कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट। आई होप आप लोगों को वॉवल्स पता होंगे, आप लोगों को कॉन्सनेंट्स पता होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ। एंड आफ्टर दैट हमें ये भी पता होगा इन्हीं लेटर्स से मिलके हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स सबको पता है वर्ड्स। ठीक है, तो आप लोग पहले शुरुआत ही करेंगे सेंटेंसेस से, क्योंकि जो वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं एक मीनिंगफुल वे के अंदर, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे आप सेंटेंस। आप कोई भी 8, 9, 10 की ग्रामर की बुक ले सकते हैं, अगर आप लोग कोई प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हैं कोई ग्रामर की बुक्स, या आप NCERT से भी ले सकते हैं। आपको हर जगह इवन 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं सेंटेंसेस। तो ईजी बुक से पहले स्टार्ट करिए और पढ़िए कि सेंटेंसेस होते क्या हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बताया कि हमारे इंटरोगेटिव होते हैं, इंपैरेटिव होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं, डिक्लेरेटिव होते हैं, ये सारे के सारे आपको पहले सेंटेंसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आफ्टर दैट जब आप लोग सेंटेंसेस कर लेंगे आपके, उसके बाद करना है, आपको पता है कि हम सेंटेंसेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, आपके एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, आप लोगों के कोलोन आते हैं, इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, ये सारे इनको बोला जाता है पंचुएशन मार्क्स। तो आपको पंचुएशन मार्क्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा वाला पंचुएशन मार्क किसको डिनोट करता है, राइट? उसके बाद करेंगे प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वर्ड के आगे लगता है, एंड सफिक्स आपका वर्ड्स के पीछे लगता है। ये आपको थोड़ा नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। देन हमारे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आपके 8 टाइप्स हैं, 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के, और सबसे बिगिनिंग हमारी होती है। इवन छोटे बच्चों से ही सिखा दिया जाता है कि वॉट इज अ नाउन, एंड आई होप कि सबको नाउन तो जरूर पता होगा, पर कई बार हम लोग कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में, इन सब चीज़ों में, पर्सनल नाउन में, इसमें क्या होते हैं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नाउन को आपको बहुत डिटेल में करना है। और एक मेरी टिप मान के चलिए, जब आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, हिंदी को साइड बाय साइड चलाइए, जो टॉपिक इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वही टॉपिक हिंदी में करिए। बिलीव मी, अगर आप लोगों का हिंदी का ग्रामर, हिंदी का व्याकरण बहुत अच्छा है ना, आपको इंग्लिश में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस ना साथ साथ चलाइएगा। सपोज अगर आपने नाउन इंग्लिश में पढ़ा है तो आज ही संख्या आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए,
देन नाउन के बाद आपको पता है नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, हमारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ नाउन अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, और स्ट्रेस को ना अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। स्ट्रेस लेके स्टडीज करेंगे तो क्या होगा, दिमाग में सिर्फ स्ट्रेस और प्रेशर रह जाएगा, और जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो दिमाग में स्टे ही नहीं करेगा, दिमाग में घुसेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपने दिमाग से स्ट्रेस निकाल दीजिए पहले तो, कब होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जब होना आगा हो जाएगा, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिए ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दे सके। ठीक है, और जब कॉन्फिडेंस, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, चाहे हम स्कूल में करते थे या अभी कर रहे हैं, तो हमारा, हमें डर नहीं लगता एग्ज़ाम से जब प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद नाउन के बाद आप लोग करेंगे प्रोनाउंस। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन आगे आ गए, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पे ही यूज़ होते हैं, जैसे ही, शी, इट, तो आपको नाउन, फिर ऐसी प्रोनाउन के बाद आप हिंदी में शुरू करेंगे सर्वनाम, ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं ना इंग्लिश के, वो साथ साथ हिंदी में क्लियर होते जाएँ। ठीक है, हिंदी के लिए भी ग्रामर की कोई 8, 9, 10 की आप उठा सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। जब आपके प्रोनाउन हो जाएंगे, थर्ड आप लोग करेंगे वर्ब्स। वर्ब्स मतलब क्रिया, क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करना है, सो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और जैसे ही वर्ब्स करेंगे वहाँ पे नाउन उधर चलाएंगे क्रिया। ठीक है, वर्ब्स के साथ ही मैं आप लोगों को ये बोलूँगी एडवर्ब्स कर लेना। ठीक है, एडवर्ब्स मतलब क्रिया किस तरह हो रही है, लाइक शी इज़ राइटिंग, राइटिंग तो आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। शी इज़ राइटिंग स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, जो वर्ब के क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, वो एडवर्ब हो गए। और जब यहाँ पे एडवर्ब करेंगे उस तरफ करेंगे क्रिया विशेषण, आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। आफ्टर दैट आपको ये भी पता है कि वर्ब्स भी क्या होते हैं, आपके मेन वर्ब अलग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स अलग होते हैं, तो ये चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें बच्चे जनरली कन्फ्यूज होते हैं, अच्छे से करेंगे। आफ्टर दैट आप लोग करेंगे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स जो नाउन की आपको विशेषता बताएंगे, और जब यहाँ एडजेक्टिव्स करेंगे वहाँ पे आप लोगों का चलेगा विशेषण। ठीक है, जैसे काला, काला विशेषण हो गया, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, तो ड्रेस के बारे में बता दिया ब्लैक ड्रेस है, या ब्यूटीफुल हो गया, तो आप इसी तरह दोनों साइड बाय साइड विशेषण और एडजेक्टिव्स एक साथ चलाएंगे। देन आप लोग करेंगे मोडाल्स, मोडाल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें काफ़ी सारे आपके मोडाल्स हैं, जैसे शुड हो गया आपका, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, ये चीज़ें आपको, मे हो गया, माइट हो गया, ये चीज़ें आपको अच्छे से यूज़ करनी है कि कैसे हो सकता है, ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। देन इसको करने के बाद आप लोग करेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आपको बताएगा एक्चुअली में जो नाउन है वो उसकी पोजिशन बताएगा, जैसे बॉल है तो बॉल टेबल के नीचे पड़ी है, टेबल के ऊपर रखी है, मिरर के बिहाइंड है या मिरर के फ्रंट में है, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड हो गया, और हो, अब क्या हो गया, और नहीं, और कंजक्शंस में आता है, देन ओवर हो गया, ठीक है, अबव हो गया, बिलो हो गया, ये सारे के सारे, इन हो गया, आउट हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्रेपोजिशंस हैं। देन प्रेपोजिशंस के बाद आप लोग करेंगे कंजक्शंस। कंजक्शंस मतलब कनेक्टर्स, जो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, जैसे आपका एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों के कंजक्शंस हो गए, आप उसके बाद करेंगे। एंड एकदम एंड में आप लोग करेंगे इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस हो गए आप लोगों के, जो एक्साइटमेंट शो करता है या हमारा कोई दुख को शो करता है, ठीक है, विस्म्यादि बोधक आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा होगा, ठीक है, वो आप लोग साइड बाय साइड आप लोग उसमें भी करेंगे, अपने हिंदी के अंदर भी करेंगे। ठीक है, अब जब आप यहाँ तक कर लेंगे जनरल ग्रामर, आप लोगों का मान लीजिए 35% सिलेबस जो है कम्प्लीट हो गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपके पता है 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द, और हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल वॉवल्स के साथ लगता है, कौन सा आर्टिकल आप लोगों का कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस, जिसमें बच्चे जनरली कन्फ्यूज रहते हैं, तो टेंसेस करेंगे बहुत अच्छे से। 3 के सेंटेंस हैं और तीनों के फिर अलग अलग पार्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप लेटर ऑन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर आप लोग जो टेंसेज हैं ना उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, फिर वॉइस आती है आपकी, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव आपको पता है कि मैंने ये काम किया है, ये आपकी एक्टिव हो गई, आई हैव डन, और जैसे आई हैव डन दिस वर्क, तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब दिस वर्क इज़ डन बाय मी, मतलब मेरे द्वारा ये किया गया, दैट इज़ योर पैसिव वॉइस, तो आपको ये ज़रूर करनी है। देन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ज़रूर करनी है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये 8 मार्क्स जो होते हैं ना आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं। देन आप लोगों का आ जाता है 5 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन भी मैं यही बोलूँगी 8, 9, 10th की या कोई भी लिटरेचर बुक है कोई भी है उसमें से पैराग्राफ रीडिंग स्टार्ट करिए और हमेशा बेटर क्या है क्वेश्चंस पढ़ लीजिए जो क्वेश्चंस हैं और उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। उससे क्या होगा साथ साथ आपके जो होंगे क्वेश्चंस आपको मिलने लग जाएंगे। 5 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन होती है और आपको तो पता है कि इंग्लिश हिंदी को एकदम एंड में दिया जाता है DSSSB में ताकि ज़्यादातर बच्चे पहले 3 सेक्शंस में ही कन्फ्यूज होकर अपना टाइम वहीं पर बर्बाद करते और हिंदी इंग्लिश तक आ ही ना पाए। अदरवाइज इंग्लिश हिंदी रीजनिंग वो आपको बिगनिंग में देते पर हिंदी इंग्लिश भी एकदम एंड में दिया है इसीलिए दिया गया है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं हिंदी इंग्लिश तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जो कि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको पता है आप स्किप नहीं कर सकते हो आपको सेक्शन वाइज ही चलना पड़ेगा। जब तक पहला सबमिट नहीं करोगे दूसरा नहीं ओपन कर सकते दूसरा नहीं करोगे तीसरा ओपन नहीं कर सकते ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर की कॉम्प्रिहेंशन आप लोग रीडिंग स्टार्ट करिए रोज़ 3-3, 4-4 पैराग्राफ्स करिए और आपको देखेंगे धीरे धीरे कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पा रहे हैं और पहले क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद आप लोग क्या करेंगे पैराग्राफ को रीड करेंगे। देन आप लोगों की आ जाते हैं 7 मार्क्स की वोकैबलरी सेक्शन। वोकैबलरी के अंदर आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने हैं। सिनोनिम्स आपको पता है कौन से होते हैं जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं और एंटोनिम्स आपके हो गए आपके अपोजिट वर्ड्स ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से करने हैं एंड इट नीड्स प्रैक्टिस। या तो आप कोई भी बुक खरीद ली थी अगर आप नीतू मैम की बुक लेना चाहते हैं वोकैबलरी आप वो ले सकते हैं। कोई भी बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं तो DSR की क्लासेस खोलिए। DSR क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे आपको लेटेस्ट और ओल्डेस्ट मैं बोलूँगी लेटेस्ट अभी भी मिल जाएंगे और ओल्डेस्ट 3-4 साल पुराने वाले भी मिलेंगे क्योंकि पहले आपको जनरली वोकैबलरी आना बहुत ज़रूरी है। जनरल जो हर एक को आती है वो करना बहुत ज़रूरी है वो बुक से हो सकता है। अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल को मैं कहूँगी कि अपना फ्रेंड बनाइए उसको दुश्मन मत बनाइए। अपना टाइम यूट्यूब वीडियोज़ देखने के बजाय यूट्यूब पर ऐसी वीडियोज़ देखिए जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है जिससे आपको कहीं फ़ायदा हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी अगर बुक नहीं ले सकते हैं एक रजिस्टर रखिए इंग्लिश का DSR की क्लासेस खोलिए या नीतू मैम की क्लासेस खोलिए जो आप वोकैबलरी है 200-200 वर्ड्स एक वीडियो में बताए गए हैं। आप जो आपको लर्न हो रहा है साइड बाय साइड वो लर्न करिए और जो नहीं हो रहा है साइड बाय साइड उसको नोट करते जाइए ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आ जाता है idioms एंड phrases आपके जो आप मुहावरे बोलते हैं प्रोवर्ब्स आपके हो गए लोकोक्तियाँ ये आ जाते हैं। idiom phrases भी आपके 2 आ जाते हैं तो आप लोग idiom phrases भी कर सकते हैं विद दिस चैनल DSR। एक ही वीडियो के अंदर 200 मैं बताऊंगी आपको idioms कराए गए हैं विच इज़ मोर देन इनफ एंड जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगेंगे 200-250 और हो जाएंगे ऑलमोस्ट एग्जाम तक 500 हो जाएंगे। इतने ज़्यादा भी नहीं आते हैं जनरल सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के CUET के DSSSB के KVS के सारे जो पीछे आए हुए हैं वो कॉमन वाले आपको idiom phrases कराए गए हैं। idiom phrases का आप इंग्लिश को कैसे जब आप idioms करेंगे आप लोग क्या करेंगे पहले उसके मीनिंग्स को उनके हिंदी जनरल मीनिंग को निकालिए और उसके बाद उसको आप लोग क्या करेंगे तब आप करेक्ट उसका मीनिंग निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है और मीनिंग निकालने के बाद जब एग्जाम के अंदर करेंगे ना सबसे पहले जो बिल्कुल आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा है आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर 1 या 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल मैच ही नहीं होंगे उनको पहले जो बिल्कुल गलत है ना उनको बाहर निकाल देंगे ताकि आप लोगों को सिर्फ 2 में से चॉइस करना होगा। एंड होपफुली जब आप लोग idioms के मुहावरों के प्रॉपर हिंदी में मीनिंग निकाल पाएंगे तभी आप लोग करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे राइट। फिर एक आता है आपका एरर डिटेक्शन। आपको सेंटेंसेस के अलग अलग पार्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि सेंटेंसेस के कौन से पार्ट के अंदर गलती है वो आपको टिक करना पड़ेगा ठीक है। ये भी आप लोग अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग द स्पेलिंग मिस्टेक। आप लोगों को 4 स्पेलिंग्स दे दी जाएंगी और बताया जाएगा कौन सी स्पेलिंग गलत है तो वो आप लोग कर पाएंगे बाय प्रैक्टिस। मैंने आपको बुक भी बता दी है नीतू मैम की मैंने आप लोगों को चैनल भी बता दिया DSR का एक बार आप ट्राई करिए मेरे कहने से डेफिनेटली यू विल गेट हेल्प फ्रॉम इट। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कैसा भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। एंड घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है डरने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस बिल्कुल बाहर निकाल के आप लोगों को अपना वर्कआउट करना है। एंड टिल द एग्जाम मैं आप लोगों के साथ हूँ अगर आपको कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह का इश्यूज़ आ रहे हैं यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन हैव अ नाइस डे।